अस्सलाम वालेकुम भरावो, क्या हाल है? ठीक हो? तकड़े मस्त राजी। ई वीडियो सऊदी अरब दियां कुछ खबरां सुनन शेयर करना वा। पहली खबर सऊदी वजारत खारजा के हवाले नाल है। सऊदी वजारत खारजा 30 सितंबर 2021 तक विजिट वीजे की खुदकार निज़ाम के तहत तोसी कर दी सी। इन्हें दी मियाद वधा दी है बगैर कहीं फीस दे मुफ्त। विजिट वीजे वाले बंदे चाहे सऊदी अरब तेन या बाहर के मुल्कें या वो विजिट वीजे जे अजन इस्तेमाल इतनी कहनी थे इन्हें दी मियाद मुक गई है उन्हें दी वधा दी ने। पाबंदी वाले मुल्कन या बगैर पाबंदी वाले मुल्कन इन्हें सारे दे बंदे दे जिन्हें विजिट वीजे बन इन्हें दी मियाद वधा दी ने। बाकी वीजे वाले ने बारे ऐलान कहनी थिया। पहले ऐलान किया ने जो 31 अगस्त तक इन्हें दे वीजे ते छुट्टियां वधाएसूँ, लेकिन बहुत सारे बिराड सिने पे अजन तक साड़ियाँ कहीं नहीं वध्या, ना छुट्टियां तो ना इकामे दी मियाद। इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कई जाड़े में थोड़िया छुट्टी तो वीजे की मियाद ही वध वैसी। हो सकता है सोडिया छुट्टियां ते इकामे भी सितंबर 2021 तक वधा छोड़न। हाल ही ये ऐलान विजिट वीजे वाले किते वे। बी खबर उमरे के हवाले नाल है। बैरूने मुल्क तो उमरा ज़ायरीन का पहला कारवां अज जुमे को सऊदी अरब पुज सी रात 9 बजे जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते। ये बाहर के मुल्क तो आवन वाला उमरा ज़ायरीन का पहला कारवां नाइजीरिया के मुल्क द है। सऊदी उमरा कंपनियां ज़ायरीन को रहायश ट्रांसपोर्ट समेत सारिया बुनियादी खिदमत फराहम करे सन। ये हज व उमरा कमेटी के रुकन हानी अल उमैरी दसाए। बी खबर रियाज को है। रियाज पुलिस के तर्जमान दसाए इकामा ते मुलाजमत कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले को पैसे जमा करते बाहर के मुल्क भेजने वाले दो गैर मुल्कियों को पकड़े से। ये दोही गैर मुल्की रियाज के एक महल के मकान को अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करने पान जेरे इन्हें को पकड़े ने इन्हें कब्जे तो 26,750 रियाल बरामद थे। ये दोही गैर मुल्की जेरे हुंडी का काम करेंदे हैं पाकिस्तानी हैं। इब्तदाई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते इन्हें को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिते ने। ये रियाज पुलिस के तर्जमान दसाए। बी खबर रियाज को है। रियाज के ट्रैफा खंभे नाल बधे हुए शेर को काबू कर दिते ने। तहफ़ माहौलियाती व जंगली हयात फोर्स ई शेर को रियाज के एक महल के कई ट्रैफा खंभे नाल बध दिते। ई बधे हुए शेर की कई वीडियो बनाइए ते नाल दिफा मदनी को इतलाह दी ने जै वाला तहफ़ माहौलियात व जंगली हयात को इतलाह दी है तो इन्हें खसूसी टीम इतना पुजते ई शेर को काबू किया है। ये शेर कहिंदा जाती आ डकीतन ते जुर्माने दे डर ने उन्हें आ ते ट्रैफिक दे खंभे नाल शायद बद छोड़े क्योंकि सऊदी अरब ते नायाब नस्ल दे जानवर ते खूनखार जानवर पालन या इन्हें खरीदो फरोख्त करन जुर्म है जिंदी सज़ा 10 साल तक कैद है ते 30 मिलियन रियाल जुर्माना थी सकता है। बी खबर मक्का मुकरमा को है। मक्का मुकरमा पुलिस के तर्जमान दस है हद को ज़्यादा तेज़ रफ्तार गाड़ियों का रिकॉर्ड हासिल करने वाला सिस्टम शहर को त्रोड़न वाले सऊदी शहरी को पकड़े से। इन सऊदी शहरी 4 कैमरे त्रोड़ मरोड़ते जय कर दीतेन। इनकी शनाख्त इन्हें त्रुटे हुए कैमरे के जरिए थी है। ये सऊदी शहरी उम्र के चौथे अशरे के बच्चे कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते ईकू पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर देसूँ। बी खबर अल मुखवा को है। अल मुखवा एक ट्रैफिक हादसा थे जिंदे एक शख्स हलाक तो दो जख्मी थे। अल बहार रेजन के हिलाले अहमर के तर्जमान दसाए वाकये की जिमें इतलाह मिली है दो टीम मौके पर रवाना कितन से ते पता लगे दो गाड़िया आमने सामने लगन की वजह ने एक शख्स मौके पर हलाक थे ते दो शदीद जख्मी हैं जैकू इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अल मुखवा अस्पताल मुंतकिल कर दिते से ते मरण वाले शख्स की लाश ही सर्दखाने पुचा दी से। ई हादसे की असल वजह मालूम कह नहीं थी सकी लेकिन लगता इवें वे ये हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस थे। ठीक है भरावो, ये सऊदी अरब दौड़िया बहुत खबरां जरिया थोड़ा शेयर किए भी। ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कराए तो बिने भरावों नाल शेयर भी कराए। सऊदी अरब की जीवें कोई अहम खबर आसी अपने भरावों नाल शेयर करे सा। अल्लाह हाफिज़।